तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप पोर्टल के लिंक के थ्रू आते हो ना, तो हम लोगों के पास आपकी अटेंडेंस आ जाती है कि आप कब ज्वाइन कर रहे हो, कब लीव कर रहे हो। अटेंडेंस मैटर करती है ना, तो अटेंडेंस इस तरीके से आती है। अच्छा तो वो तो एक फॉर्मेट है ही, आप लोग ध्यान रखो आप वैसे ही एंटर करोगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको ओके ज्वाइनिंग में कभी कोई इश्यू आता है तो आप मुझे बताना, ठीक है, कि जैसे लिंक ओपन नहीं हो रहा या फिर कोई उधर से एक्सप्लेन नहीं आ रहा, क्योंकि कई बार ना थोड़ा सा जो इंटरफेस है गूगल मीट का थोड़ा सा इश्यू क्रिएट करता है। तो उस केस में यह है कि मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है ना, आप उस लिंक से आ जाओगे, गूगल मीट से आ जाओगे मतलब, ठीक है। ओके यस मैम, ओके मैम, चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, अब आप लोग अपने माइक्स ऑफ कर दीजिए, अदरवाइज ना वॉइस एको करती है, ठीक है। तो अब हम यूनिट्स एंड डायमेंशन के थर्ड लेक्चर पर है, और आज ना आप पढ़ोगे वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज। अगर आप अपना नीट का सिलेबस उठा के देखो तो ये चीजें मेंशन नहीं है, बट आप बोलोगे कि मेंशन नहीं है तो अब मैं क्यों करा रही हूँ, क्योंकि ये चीज यूनिट वन में यूजुअली, मतलब जो यूनिट टू हम लोग पढ़ते थे यूनिट्स एंड डायमेंशन, एक्चुअली यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो वो चीज ना यूनिट टू में जो है आपका आता था, लेकिन अब जो नीट का नया सिलेबस है उसे वहां से हटा दिया, ठीक है, वहां से हटा दिया है, लेकिन यूनिट 20 करके एक यूनिट ऐड कर दी है एक्सपेरिमेंटल करके, वहां ही दोनों टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो अब मैं चाहे इसको बाद में पढ़ाऊं चाहे इसको अभी पढ़ाऊं, मतलब बेसिकली पढ़ाना तो है ही ना, आपको भी पढ़ना है ही, ठीक है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट, यस मैम, ठीक है। और आप इस पर एक्सपेरिमेंट्स भी करते हो, जैसे कि आपकी जो लैब होंगी, ठीक है, उन लैब्स में आप इसी के इनके मतलब एक्सपेरिमेंट्स प्रैक्टिकल्स भी करते हो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज के। तो फिलहाल आज 4th of December एंड वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक। हम आज सीखेंगे कि रीडिंग्स कैसे लेते हैं, उसको रीड कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, और जो एरर था, ठीक है, उसको कैसे हम इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक एक कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ऑब्वियसली ये चीज आपके प्रैक्टिकल्स में बहुत हेल्प करेगी, भी प्रैक्टिकल होगा तो एग्जामिनर वगैरह वाइवा वाली चीजें भी पहुंचेंगी, तो समवन अगर आपसे पूछे कि भाई लीस्ट काउंट क्या होता है तो आप बता पाओगे कि लीस्ट काउंट क्या चीज है, ठीक है। तो वो सब चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। 8% वेटेज है इसका, व्हिच इज अ वेरी गुड वेटेज, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको बना देता है। इससे पहले हम दो लेक्चर कर चुके हैं, आई होप आप लोगों ने उसको देखा होगा, जिसने नहीं देखा है मेक श्योर कीजिए आप इसको देख लें, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस देख लें। और बेटा देखो एक चीज मैंने आपको जब बिल्कुल स्टार्टिंग हुई थी हमारी, जिसमें मैंने आपको बताई थी चीजें कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी करो जो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो समस्या होगी। तो कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चंस लगाएं, PYQs खूब लगाएं, ठीक है। फिर मैं मॉड्यूल का लिंक देती हूँ, आप उसको प्लीज करिए, राइट, ये सब चीज आप करिए, और साथ में NCERT भी करिए, उसको भी मत छोड़ना। ओके मैम, ओके ओके मैम, चलिए अब फटाफट से मुझे बता दीजिए आपने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था, थोड़ा बहुत अगर आपको याद आ रहा है तो काफी हेल्प हो जाएगी मुझे। इनसिग्निफिकेंट नंबर्स, वेरी गुड, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कुछ बताएगा मैम, कि जो क्या होती रियल है सिग्निफिकेंट? नंबर्स होते हैं और जिनका पहला अनिश्चित अंक होता है, वो प्रथम अनिश्चित अंक होता है, वो होते हैं। नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक मिनट माइक ऑफ करना, हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होती है ना, जिनको आप सार्थक संख्या बोलते हो, तो वो होती है आपका ये चीज की किसी एक रिजल्ट में जो आपने मुझे दिया, कितनी चीजों के कितने नंबर्स के बारे में आप श्योर हो, ठीक है। जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर किसी डेटा में होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट वो डेटा होगा, ठीक है, मैंने आपकी चीज बताई थी। फिर हमने कुछ रूल सीखे थे कि किस तरीके से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करते हैं, आई होप आपने वो रूल्स पढ़ लिए होंगे। इसके बाद जो मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट था दैट इज राउंडिंग ऑफ, ठीक है, जिसके राउंडिंग ऑफ के मैंने आपको रूल्स बताए थे कि 5 से छोटा होता है तब हम क्या करते हैं, 5 से बड़ा होता है तब क्या करते हैं, 5 के बाद ऑड इवन हो 0 हो तब क्या करते हैं, तो वो सारा डिस्कशन हमारा लास्ट क्लास हो चुका था, ठीक है। यस मैम, फिर यस हमने मैम, बात की थी, ओके वेरी गुड, फिर हमने बात की थी एरर की। एरर क्या होता है, यानी कि कोई चीज आपको मैंने कैलकुलेट करने दी, आपने उसमें कुछ गलती कर दी, कुछ गलती, अब ये गलती किसी भी वजह से हो सकती है, हो सकता है इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है आपका उस दिन मन ना हो, देयर कुड बी अ लॉट ऑफ रीजंस, राइट। तो एरर्स वहां आती है,
एरर के हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो हमने सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालना सीखा था जो कि मीन होता था, राइट, औसत जिसे आप बोलते हो। फिर हमने सीखा था एब्सोल्यूट एरर निकालना, राइट, फिर हमने सीखा था मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना, फिर हमने क्या सीखा था बेटा बोलो, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर हमने फ्रैक्शनल एरर सीखी थी, याद है? यस मैम, ऐसे रिलेटिव एरर भी कहते हैं ना। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। एंड देन उसके बाद हमने देखा था लास्ट में परसेंटेज एरर, राइट। इस तरीके से हमने अपना लेक्चर लास्ट का कंप्लीट किया था जी। आज बात करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर की, कि एरर प्रोपोगेट कैसे करती है। प्रोपोगेशन से बेसिकली मतलब है कि अगर आपने दो चीजें, दो डेटा गलत कैलकुलेट करे हैं, उनमें कुछ गलतियां हैं, तो कैसे उनके रिजल्ट में गलती मतलब आप लिखोगे। सोचो मैंने आपसे बोला कि बेटा आप लेंथ, ब्रेथ और ये सब जो है कैलकुलेट करो, लंबाई चौड़ाई आप इसे कैलकुलेट करो। आपने मेरे को किसी एक ब्लॉक का लेंथ भी कैलकुलेट करके दिया, ब्रेथ भी कैलकुलेट कर दिया, पर आपने गलत कैलकुलेट किया ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो ह्यूमन एरर हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो, कुछ भी हो सकता है, रैंडम एरर कुछ भी है, तब हम कैसे करेंगे उसका। मैंने आपको बोला कि मेरे को पैरामीटर दो, तो पैरामीटर में तो आप दोनों यूज करोगे ना, लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसको कैसे आगे आप लिखो, रिजल्ट कैसे दोगे मुझे। सो समझ में आया कि प्रोपोगेशन ऑफ एरर क्या होता है, कि हाउ टू एरर प्रोपोगेट। कूल, यस मैम, यस। चलिए फिर सबसे पहले आप सीखिए कि एडिशन में हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जब हमें जोड़ना हो। हाँ बेटा, अच्छा आस्तिक ने आंसर किया हो गया। सो द क्वेश्चन इज कि एरर्स को अगर हम ऐड करना हो तो कैसे करें। अब सोचो मेरे पास एक फंक्शन है x जो इस तरीके से लिखा गया, ठीक है। x को मेजर करने में मैंने डेल्टा x गलती करी, a को मेजर करने में डेल्टा a गलती करी, और b को मेजर करने में डेल्टा b करी, तो कोई नहीं। अगर मुझे डेल्टा x चाहिए तो वो सिंपल इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, सिंपल। ओके, अब मैं आपसे कहूंगी बेटा मुझे आप आंसर करो कि आप कैसे लिखोगे इसको, तो आप बोलोगे कि मैम हम x को इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो x है इसको आप प्लस माइनस डेल्टा x कर दो। ऐसे हम करते थे तो ना डेली लाइफ में। सोचो आपको मम्मी ने, आपकी मम्मी ने बहुत सारा सामान लाने भेजा, आप मार्केट गए, ठीक है, मम्मी ने कहा कि कितने पैसे बचे, तो आपने कहा बचे होंगे 15-20 रुपए। ये 15-20 क्या है, ये आपने तरीके से बता दिया ना कि या तो 15 या तो 20 है ना, समझ रहे हो, तो मम्मी समझेंगे चलो 17 बच रहे होंगे। यस मैम, बाकी इसने प्लस माइनस ऊपर नीचे कर दिया 17, तो राइट। सो वही वाली चीज है, बट साइंस सिर्फ इसको एक्सेप्ट करेगा। साइंस में आप ऐसे ही आंसर्स करोगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई डाउट हो तो आप प्लीज हैंड रेज करके पूछ सकते हो, ठीक है, चुप नहीं रहना। लेट्स टॉक अबाउट दी सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, एक सेकेंड। आपके उधर ठंड हो रही है? Yes, ma'am. तो आप कंबल में बैठकर आराम से पढ़ रहे हो या फिर टेबल पे हो? टेबल पे। किसी दिन मैं कैमरा ऑन कराऊंगी तुम्हारा और फिर मैं देखूंगी तुम बेड पर हो कि टेबल पे पढ़ रहे हो। मैम अभी करा ली मैम, टेबल पे। अच्छा अभी भी करा सकती हूँ। यस मैम, चलो ओके। लेट्स से कि ए को मेजर करने में मैंने डेल्टा ए गलती करी, बी को मेजर करने में डेल्टा बी गलती करी, अब एक्स को कैसे लिखूं मैं। तो आज से आप एक बात याद रख लो कि जब भी कभी हम एरर पढ़ेंगे ना, एरर में सब्ट्रैक्शन नहीं होता, घटना नहीं होता एरर में, एरर तो ऐड ही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे ऊपर माइनस हो। समझ में आया मैम? अगर माइनस होगा तो उसे प्लस कर देंगे। हाँ, अब आप एक बात देखो ना, खुद से सोचो, आपने लेंथ सपोज किसी भी चीज को दो एरर से करा कि मतलब दो उसमें 2 सेंटीमीटर की गलती थी, ब्रेथ में भी 2 सेंटीमीटर की गलती थी, मैंने कहा मुझे लेंथ माइनस ब्रेथ चाहिए, तो लेंथ में भी गलती है, ब्रेथ में भी गलती है, गलती तो बढ़ गई ना, गलती कहाँ घटी, गलती तो बढ़ी गई ना ओवरऑल। यस, तो आप ये चीज ध्यान रखोगे, यूजली बच्चों को लगता है कि ये तो ऊपर माइनस है तो भाई यहाँ पे माइनस आएगा, नहीं। और इसी तरीके से आप इसको प्रेजेंट करोगे, प्रेजेंटेशन नहीं चेंज होगी, ठीक है, ये ऊपर नीचे वाला चीज चलता रहता है, जैसे 19-20 बोल देते हो ना नॉर्मल लैंग्वेज में, तो ये हमेशा रहेगा, ठीक है।
ओके अब एक क्वेश्चन दूं मैं इस पे आपको? ठीक है चलो क्वेश्चंस को मैंने लिखे हुए, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा देती हूँ फिर देती हूँ। आपने मल्टीप्लिकेशन भी एक देखा होगा है ना? यस सर। लास्ट हमारा ऑपरेशन होगा डिवीजन वाला, डिवीजन मतलब भाग है ना, और मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। ठीक है देखो पता है मैं भी ना थोड़ा बहुत अब हिंदी पढ़कर आती हूँ लाइक कि थोड़ा बहुत मुझे ऐसा फील हो जाए कि भाई क्या टॉपिक है, और तुम लोग भी इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करो क्योंकि हम जो एग्जाम देंगे और जो आगे उसके बाद होने वाला है वो अपना मतलब लाइक इंग्लिश में ही होगा ठीक है ना, तो थोड़ा सा उसके लिए भी प्रिपरेशन कर लेंगे। अब देखो आपको एक्स में इस तरीके से दे दिया ए डॉट बी, अब क्या करें, अब इसकी एरर कैसे निकालेंगे? तो सोचो आपने ए को मेजर करने में डेल्टा ए गलती करी, बी को मेजर करने में डेल्टा बी गलती करी, तो जब भी आप कभी इसका मल्टीप्लीकेशन वाली चीज देखोगे ना तो इसमें रिलेटिव एरर्स का काम होता है, रिलेटिव एरर ऐड होती है, ये ऐड होगा और आपको मिलेगी भी रिलेटिव एरर। ठीक है यस मैम। यस मैम अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा मुझे डेल्टा एक्स बताओ क्या होगा, तो आप सिंपल लिखोगे कि मैम दोनों का रिलेटिव एरर आप ऐड कर दो और मल्टीप्लाई करा दो एक्स से, ठीक बात बढ़ेगा। तमन्ना बच्चे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तमन्ना यस मैम नेटवर्क का इश्यू हो रहा है बच्चे? यस मैम। ओके तो आपको अगर कहीं समझ में आए ना मुझे बता देना ठीक है? यस मैम। अच्छा अब डिवीजन की बात करते हैं, डिवीजन क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई बी राइट? जैसे कि मैंने आपको बोला एरर में कभी भी माइनस होगा ही, बस ये बात मान के चलो, मतलब मस्त क्वेश्चन होंगे, जब आपके पास गुणा भाग आ जाए तब आप रिलेटिव एरर करोगे, जब आपके पास जोड़ना घटाना आ जाए तब आप नॉर्मली ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है सेम सेम इज दैट ओके? ओके चलिए बढ़िया। अब इनका थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं ठीक है? यस एक क्वेश्चन है डिवीजन और मल्टीप्लाई सेम होगा इसमें? एरर्स में डिवीजन और मल्टीप्लाई में आप रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट यूज करोगे ठीक है? ओके मैम। और यहाँ पे आपने देखो नॉर्मल सिर्फ ऐड कर दिया, एरर ऐड हो जाएंगे। चलिए अभी क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे एक क्यूब बना रखा है मैंने, ड्राइंग मेरी अच्छी है ही जैसे मैंने आपको बताया था, मास दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है, मास और वॉल्यूम दोनों में देखो एरर है, आप इसको क्या बोलोगे कि इसमें इतना आप ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या है आपकी एरर है राइट, दिस इज इम्पोर्टेंट। और वॉल्यूम भी मैंने किलोग्राम में लिख दिया, एक मिनट रुकना, वॉल्यूम हो जाएगा आपका, आई गेस वर्षा का भी नेटवर्क खराब हो रहा है नहीं, मीटर क्यूब ठीक है। आप मुझे डेंसिटी बताओ क्या आएगी, अभी टाइम हो रहा है हाँ, तो वर्षा आप भी बता देना ना आपको बीच में क्या मिस हुआ, अभी 18:05 हुई है 18:05, आप मुझे 7 तक बता देना ठीक है?
बेटा टाइम हो गया है, आप में से किसी का आंसर आया क्या? नो मैम। चलो कोई नहीं, नहीं आया तो भी चले। ओके, जानवी ने आंसर दिया, दैट्स ओके जानवी। पर पता है मैं आपसे क्या कहूंगी जानवी, आपने आंसर दिया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, लिटरली बहुत बढ़िया, मजा आया मुझे। बट आप ना इसको क्वेश्चन को एटलीस्ट उसके फॉर्मेट में आंसर करो। अगर आप देखो यहाँ पे मैंने आपसे डेंसिटी पूछा, मास भी मैंने आपको एक वैल्यू प्लस माइनस एरर में दिया, वी भी मैंने आपको इसी तरीके से दिया, तो डेंसिटी भी आप मुझे ऐसे ही आंसर करोगे, ठीक है? कुछ वैल्यू प्लस माइनस फिर एरर। ओके जानवी, ओके मैम, कूल। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन है डेंसिटी का। अब एक बात मुझे बताओ, डेंसिटी इज घनत्व, नहीं डेंसिटी इज वॉल्यूम। हाँ डेंसिटी को फिर क्या बोलते हैं? घनत्व। घनत्व बोल, घनत्व तो वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम मीन्स आयतन होता है मैम। अच्छा मैम घनत्व, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम आएंगे, घनत्व इज इक्वल्स टू द्रव्यमान मास। हाँ ठीक है ठीक है, ओके। मास बाय आयतन, मास का मुझे समझ में आया, क्या बोला? द्रव्यमान, 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 ओके ठीक है, द्रव्यमान अपॉन आयतन, ठीक है। तो देखो मास आपको दे रखा है 6+0.3 kg अपॉन एरिया। एक बात बताओ, अगर मुझे एरर ही निकालनी है तो मुझे पता है कि अगर वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो मुझे रिलेटिव एरर ऐड करना है, यानी कि आप लिखोगे यहाँ पे डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाय वी। यस और नो? यस मैम। मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा रो, तो डेल्टा रो को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी बात है, मुझे डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाय वी में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा रो का। अब आप एक बात बताइए, रो कैसे निकालोगे भाई? मास बाय वॉल्यूम से। तो मास आपको इस क्वेश्चन में जो ट्रू दे रखा है वो 6 दिया हुआ है, जो वॉल्यूम है वो 2 दिया हुआ है, यानी कि आप यहाँ पे रख दीजिए 6/2, इट विल गिव यू 3 kg/m³। तो ये तो रो का वैल्यू हुआ, ठीक है। बाकी वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट कर दो उसके हिसाब से भाई। ये चीज जान, ये चीज मानने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही ना कि नो मैम। हाँ, कि यहाँ पे ये एम प्लस माइनस डेल्टा एम है, ये वी प्लस माइनस डेल्टा वी है, तो बस आप उस वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए, कर दोगे आप इतना? यस मैम, यस मैम। बढ़िया, तो फिर आ जाओ, फिर यहाँ पे डेल्टा एम आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ डेल्टा एम बताओ? चलो है ना बच्चे? देखो ना, ये रहा ना आपका आयतन, v प्लस माइनस डेल्टा v, मतलब ये आयतन के बारे में बात चल रही है। तो आयतन में आप यहाँ पे देखो ना, डेल्टा ये प्लस को 0.2 है ना, वो तो ऊपर द्रव्यमान, द्रव्यमान का थोड़ी डिस्कशन अभी चल रहा है। हाँ जी बेटा, करण, करण कुछ पूछना चाह रहे हो? मैम एक का आंसर आया। हाँ किसका आया? मैम मैंने माइनस करके कर रखा है तो 3.17 kg आ रहा है। ओके बढ़िया, ठीक है, एक बार मैं देखती हूँ, आप मुझे बताना। अब यहाँ पे हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। चलो बेटा फटाफट सॉल्व करो इसको, 0.36 को क्या करेंगे? तो आई गेस पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं 1/20 हो जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं 1/10 हो जाएगा, और 20 और 10 का एलसीएम आई गेस 20 आएगा, 1+2 × 3, राइट बेटा? इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है ये? मैम 0.45 आ रहा है डेल्टा डी, मैम डेल्टा, मैम रो मतलब। वेरी नाइस, डेल्टा रो, ठीक है। मैंने वो बच्ची सही बोल रही है, एरर इतनी ही आ रही है। अब आपके पास डेल्टा रो है, आपके पास रो है, तो बच्चे मेरे पास क्या आ गया? डेंसिटी लिखने का मेरे पास तरीका आ गया। मुझे पता है मुझे अपना डेटा इस तरीके से गिवन करना है, ये मेरा आंसर है, तो सब कुछ तो है आपके पास, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। देखो रो की जगह 3 पुट कर दोगे, डेल्टा रो की जगह 0.45 पुट कर दोगे, ये जो कुछ भी है ये डेंसिटी है। हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी अच्छी जगह एक्सपेरिमेंट करते हो ना
और टीचर आपसे आपका आंसर पूछे, अगर आप उसको ऐसे आंसर दोगे वो सबसे ज्यादा इंप्रेस होगा कि भाई बच्चे को साइंटिफिक लिखनी चीजें आती हैं, साइंटिफिकली लिखनी आती है, दिस इज द एक्चुअल वे, यही सही तरीका है किसी भी डेटा को रजिस्टर कराने का, इज दैट ओके? यस मैम, यस मैम, यस मैम। चलिए, ऐसे ठंडी का टाइम है ना, कभी तो ऐसे यस मैम करते करते सो जाओ। यस मैम। चलिए, यहाँ पे आपको लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है एक ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का, मैं आपको यहाँ पे नेमिंग कर देती हूँ ए बी सी डी, ठीक है, एल और बी आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप एरिया निकाल दीजिए, ठीक है, फाइंड द एरिया, फटाफट से सॉल्व करो। अभी टाइम हो रहा है आपके पास 18:12, आप 13 हो गए, कब तक करोगे? 15, बस 2 मिनट है, फटाफट से सॉल्व करके बता दो क्या आंसर आ रहा है। मैंने आपको बोला है किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो हैंड रेज करके पूछ लेगा, ठीक है ना, डाउट यहां से नहीं जाने चाहिए बच के। 1.2 ओके, अब मुझे पूरा डेटा दो जानवी। 6 + -1.2 ओके ओके। जानवी, अगर आप एक बार चेक करो बच्चे, तो यहाँ पे एरिया एक बार फिर से चेक करो, मतलब इस आंसर को क्लोज है बट करेक्ट नहीं है, ठीक है ना, एक बार चेक करो, आ जाएगा आंसर। मैम हमारा हो गया। ओके बस दो, बस मैम थोड़ा सा रुको, हाँ चलो बोलो मैम, आंसर बताएं। बोलो मैम, हमारा डेल्टा ए 1.6 मीटर स्क्वायर आ रहा है। बढ़िया, और पूरा बताओ मुझे एरिया, आंसर करो मैम, मतलब पूरा सॉल्व होकर हमारा आ रहा है 8 + -1.6 मीटर स्क्वायर। वेरी नाइस, आपका नाम क्या है? मैम अंशिका। वेरी गुड अंशिका, चलिए तो इस क्वेश्चन में हम अंशिका का नाम भी देते हैं, उसने सॉल्व किया, पहला सही आंसर था, वेरी गुड। अब देखते हैं इसको करना कैसे है। देखो क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे एरिया बताइए, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो सबसे पहले आप यहां से ए का वैल्यू निकाल लीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इंटू दिस ये आपको ए दे देगा, 4 × 2, ठीक है। अब कहानी चलेगी आगे के डिस्कशन पर कि आगे क्या करें। तो भाई अगर आपको एरिया ही निकालना है तो सिंपल सी बात है, आप इनको रिलेटिव एरर्स को ऐड कर दो, क्योंकि और तो कोई तरीका है नहीं हमारे पास। तो अब इसको निकालने के लिए आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। बेटा डेल्टा एल 0.4 है और आपको एल 4 दे रखा है, राइट। डेल्टा बी आपका 0.2 है और बी आपका 2 दे रखा है, इनटू एरिया भी आप लोगों ने निकाला, दैट इट्स 8। सॉल्व कर दीजिए इसको, इट वुड बी 1/10, इट वुड बी 1/10 अगेन, और जब ये ऐसे है तो 2/10 आ जाएगा, यानी कि 1/5 × 8। सॉल्व कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 5 × 1 = 5 और बचेगा 3.0, 5 × 6 = 30, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। लेकिन अगेन मेरे लिए आंसर तो वो है ना, जब मैं ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर करके लिखूं, तो आपके पास एरिया आ जाएगा 8 + -1.6 मीटर का मीटर स्क्वायर, इज दैट ओके? यस हाँ जी, बढ़िया, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ते हो, और ये ना बस छोटा सा कॉन्सेप्ट ही है कि बस इसे एक पेज पर आ जाएगा। बेटा आप कुछ पूछना चाह रहे हो? मधु? नहीं मैम, नहीं। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है? मैं मनदीप। मनजीत, ठीक है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट की। देखो ये जो मैं अभी आपको इस छोटी सी स्लाइड पे दिखाऊंगी ना, है तो ये 2-3 लाइन का ही, लेकिन आप इसे एक चैप्टर में, इस चैप्टर के बाहर और बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करोगे, क्योंकि कई बार आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे
क्योंकि हम इस स्टेज पे मिले कि मैं पता है मुझे कि आपने एक काफी बड़ा पोर्शन फिजिक्स का कवर कर रखा है अपने स्कूल में, ठीक है। तो आई थिंक आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे जहां बोला गया होगा कि हमने किसी वायर की लेंथ 2% बढ़ा दी, तो बताओ रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ा, कितना परसेंटेज रेसिस्टेंस बढ़ा या घटा, करें ऐसे क्वेश्चन। यस उन सबको आप यहाँ से कर सकते हो। आपने कभी अगर वो वाला चैप्टर पढ़ा हो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स करके, जो 9th चैप्टर है आपका, तो वहां आपने देखा होगा कि हमारे पास एक, हाँ कि हमारे पास वहां पे एक क्यूब है जिसको हमने ऐसे कंप्रेस कर दिया, तो उसकी हर एक साइड मैंने 1% से घटाई, तो बताओ वॉल्यूम कितना घटा। ऐसी हर जगह आप इसका यूज कर सकते हो। अब देखो क्या है ये चीज, मैंने अब तक आपको जो एक्सप्रेशन दिखाई, जितनी भी चीजें दिखाई, वो गुणा भाग जोड़ घटाना इन सब में थी, लेकिन सोचो अगर मैं आपको इन्हीं चीजों में थोड़ा सा एक प्लस कर दूं लेवल की कोई क्वांटिटी है, आप उसकी भी पार कुछ है, ए की पार बी, पी बी की पार क्यू, और लो सी मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया, अगर कुछ ऐसा फंक्शन आपके पास आ गया तब क्या करोगे, तो इसको लिखने का भी एक तरीका है। इसका आंसर आप ऐसे करोगे कि मैम हम तब रिलेटिव एरर निकालेंगे एक्स के अंदर इस तरीके से, जो भी पार है ना उसको बाहर लिख लो और मल्टीप्लाई करा दो जिसके भी ऊपर वो है, इस तरीके से। मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी आपसे एरर की बात आएगी तो कभी भी नेगेटिव होगा ही नहीं, माइनस होगा ही नहीं, ये हमेशा ऐड होगा, यानी कि इस तरीके से। तो आप ऐसे आंसर कर सकते हो, क्या चीज समझ आई? ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे? अगर मैं आपसे बोलूंगी मुझे इसका परसेंटेज वाला फॉर्मेट बता दो, कि क्योंकि आपके जैसे मैंने अभी बताया जितने भी एग्जांपल थे उनमें परसेंटेज चेंज था, तो अगर आपको इसका परसेंटेज लिखना है तो आप सिंपल कर दो भाई, हर तरफ 100 से मल्टीप्लाई करा दो तो ही परसेंटेज बन जाएगा, है ना? इस तरीके से कर दो। कोई समस्या? नो मैम। नो मैम। चलिए बढ़िया। हाँ बेटा बोलो, कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? नहीं, चलिए। नो मैम। ओके, फिर आइए इस क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सपेरिमेंट में हमने परसेंटेज एरर निकाली, ठीक है, और हमने देखा किसी फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी और डी को मेजर करने में 1%, 2%, 3% और 4% गलती हो गई है। आपको इस तरीके का एक फॉर्मूला दे रखा है कि भैया ऐसे ए बी सी डी जो है कनेक्टेड है, अब आप तो हमें ये बता दो कि एक्स की मेजरमेंट में कितनी गलती हुई होगी, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है आपके पास 6:19, आप लोग मुझे 6:21 तक बता दो, बस इतना टाइम आपके पास, फटाफट से सॉल्व करो। मंजीत आपका ना हैंड रेज हो रहा है बच्चे, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप हैंड रेज वाला ऑप्शन हटा दो, ठीक है? यस मैम। ओके, यस मैम। मैं बताऊं मंजीत कैसे हटता है वो? यस मैम। आपकी स्क्रीन पे एक रेड सा बटन होगा, है ना, जिसपे कॉल कट करोगे तो कट हो जाएगा, फिर उसके आगे आप देखो एक हैंड होगा जो ऐसे हाईलाइट हो रहा होगा, व्हाइट कलर का हो रहा होगा, उसको प्रेस कर, करा? मैम म्यूट कर दिया उसने। नहीं नहीं म्यूट नहीं बेटा, एक हाथ का साइन होगा, हाँ हाथ वाले साइन को आप दबाओ एक बार, हाँ जब भी आपको कभी डाउट हो ना तब आप उसको ऑन कर दो, तो क्या है ना मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपकी जो आईडी है ना, जैसे मधु देवी की आईडी है आपकी, तो मेरे पास आ जाएगा कि मधु देवी वांट टू आस्क समथिंग, ऐसे करके। जैसे भी हरीश ने करा, हाँ हरीश आप बताओ। मैम सी होगा 16%, बहुत बढ़िया हरीश, वेरी गुड। चलिए टाइम भी खत्म होता है और एक सही आंसर भी मेरे पास आ गया, वेरी नाइस। अगेन मैं यहाँ पे हरीश का नाम लिख देती हूँ कि ये क्वेश्चन हरीश ने सॉल्व किया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी की पावर हाफ अपॉन
सी की पावर 1/3 और डी की पावर 3, ठीक है, ये एरर्स हैं। 1%, 2%, 3%, 4% आपको एरर दी हुई है। एक बात बताओगे मुझे यहाँ पे एरर निकालनी लिखनी ही है, तो मैं सिंपल लिखूंगी ना कि डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए। अब देखो ए के ऊपर क्या है, स्क्वायर 2 है, तो आप इसे 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए लिखोगे, यस और नो? यस मैम। आया ना, है ना? बी की पावर हाफ है तो आप हाफ इंटू डेल्टा बी बाय बी लिखोगे। 1/3 है तो 1/3 इंटू डेल्टा सी बाय सी लिखोगे। सिमिलरली 3 इंटू डेल्टा डी बाय डी लिखोगे। ये चीजें होंगी। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। आपको बोल रखा है कि जितनी भी एरर्स हैं वो परसेंटेज एरर है, तो आप इसमें इंटू 100 कर दो। इधर भी इंटू 100, इधर भी इंटू 100, है ना, इधर भी इंटू 100, समझ रहे हो हर जगह? यस मैम। तो अब आपके पास ये परसेंटेज चेंजेस आ गए, आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। तो ये हो जाएगा कि परसेंटेज चेंज इन डेल्टा एक्स, ये लिख सकती हूँ ना मैं इस चीज को? यस। ए में कितना है 1%, बी में कितना है 2%, 3 में कितना है 3%, और डी में कितना है 4%। रख दीजिए वैल्यू, सॉल्व कर दीजिए। 2, यहाँ से 2 से 2 गया 1 बचा, यहाँ से 3 से 3 गया 1 बचा, और वहां 3, 4, 12। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, 12, 1, 13, 1, 14 और 2, 16। 16% यानी कि ऑप्शन सी इज योर आंसर। यस और नो? यस मैम। ठीक है, यस मैम, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और कर दीजिए फिर इस बात पे। यहाँ आपको दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास। अब भाई सिंपल सी बात, इतना बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने ये लिखा है, मतलब लिखा तो मैंने ही, बट क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जो डेंसिटी है किसी भी क्यूब की, वो आप दो फैक्टर्स से, दो क्वांटिटी से निकाल पाते हो, दो चीजों से निकाल पाते हो, एक तो मास पता हो, एक वॉल्यूम पता हो। तो भाई डेंसिटी निकालने के लिए द्रव्यमान बाय आयतन करना होता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि द्रव्यमान को कैलकुलेट करने के लिए आपने 1% एरर की गलती कर, 1% गलती करी है, और आयतन निकालने में आपने 1.5% का गलती किया शायद। क्या बोला है? मास एंड लेंथ, सॉरी, देखो ये लिखा हुआ मास एंड लेंथ, ठीक है, मास एंड लेंथ में आपने इतनी गलती करी है, मास में 1.5%, लेंथ में 1%। आपसे पूछ रहा है डेंसिटी निकालने में आपने सबसे ज्यादा कितनी गलती करी है। क्यूब आपको शेप दी हुई है, सिर्फ जितने मैंने डिब्बे में बंद करी है ना चीजें, यही इंपॉर्टेंट है, सही आंसर आप निकाल दो। पूरा तो सिर्फ आपको क्वेश्चन का लेंथ बढ़ाने के लिए कर रखा है कि आप डर के छोड़ दो क्वेश्चन। अभी टाइम हो रहा है 18:24, 18:26 तक आप लोग सॉल्व कर दीजिए। जो बच्चा सही आंसर करेगा अगेन यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। सॉल्व कीजिए। ओके हरीश, आई आस्क यू फर्स्ट, बस थोड़ा सा रुक जाओ एक। ओके ओके चलो हरीश बताओ। मैम सेकंड वाला 2.5%। ओके जानवी सेट बी, आस्तिक सेट सी, सेकंड मैम बी वाला 2.5%। ओके 2.5, ठीक है, अभी भी टाइम है, आप लोग सॉल्व कीजिए। एक मिनट और है, उसके बाद आई विल क्लोज दी ऑप्शन वाला चीज ना, ठीक है। ओके तमन्ना, भावना, सतेंद्र, मोहित, दे सेड ऑप्शन बी, जानवी सेड ऑप्शन बी, आई हाँ घन श्याम सेड ऑप्शन बी, अंशिका सेड ऑप्शन डी। ओके एक डिफरेंट ऑप्शन आया, अनस, अनुष्का, चंद्रा, अनस अनुष्का सेट बी, चंद्र सेट बी, अनुष्का सेट डी। ओके हाँ हाँ ओके अनुष्का सेट डी, बढ़िया। चलिए इसी के साथ टाइम खत्म होता है सॉल्व करने का, मैं किसी का आंसर नहीं देख रही। तो मेरे पास दो सही आंसर आए हैं, जिसमें से सबसे पहले सही आंसर अंशिका ने दिया है, राइट, विजय वीर नाम से अंशिका है ना? यस मैम। यस अंशिका के बाद एक सही आंसर मुझे अनुष्का ने दिया, लेकिन अंशिका फर्स्ट होती है, ठीक है, चलो अनुष्का का भी नाम लिख देते हैं। वेरी गुड,
अब देखते हैं कि इसका आंसर 4.5% क्यों आएगा। क्वेश्चन ने मुझे बोला कि मेरे पास क्यूब है। अब एक बात बताओ, क्यूब का अगर मैं आपसे वॉल्यूम निकालने बोलूं तो आप मुझे यही तो बोलोगे कि मैम साइड का आपको क्यूब करना है, राइट? यानी कि एल का क्यूब दिस इज योर वी। अब मुझे अगर बेटा डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो डेंसिटी तो मास बाय वॉल्यूम होती है। अगर मुझे इसमें एरर कैलकुलेट करनी है तो वो इस तरीके से आ जाएगी। परसेंटेज एरर इसने पहले ही मैं 100 लिख देती हूँ। बोलो, अब बी की जगह आप एल क्यूब रखो क्योंकि आपको एरर एल में दे रखा है। यस मैम। तो ये इस तरीके से आता है। अब यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर दो। मास में परसेंटेज आपको दे रखा है 1.5%, यहाँ लिख दो। और डेंसिटी, सॉरी, लेंथ में दिया हुआ है 1%, तो यहाँ पे आप 3 × 1 लिखोगे, राइट? यस मैम। तो ये हो जाएगा 1.5 + 3, विच मेक्स इट 4%, 4.5%, ठीक है? So this is the error in delta rho. Yes ma'am. समझ में आया बाकी सबको भी? Yes ma'am. This is your option D. चलिए, अब बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स की, ठीक? वर्नियर कैलिपर्स क्या है, क्या काम है इसका? कुछ ऐसा कभी स्ट्रक्चर आपने देखा? Yes ma'am. अब एक बात देखो, आपके पास एक ऑर्डिनरी स्केल भी होगा। यस मैम। ये वाला है ना, सबकी किट में होता है। यस मैम। यस मैम। अगर आप ध्यान से उस स्केल को निकालो, सब लोग निकालो और ध्यान से देखो, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 0 से 1 के बीच 10 divisions है, 9 divisions एक्चुअली, 10th division 1 है। देखो दिख रहा है क्या? दिखा क्या हाथ पे? दिख रहा है? मैंने थोड़ा स्क्रीन बनाने की कोशिश की है। यस मैम। यस मैम। है ना, 0 to 1। अब आप ध्यान से देखो ये आपसे कह क्या रहा है वाला चीज, फिर मैं बताऊंगी कि हमें करना क्या है। सोचो मेरे पास एक स्केल था जो मैंने आपको दिखाया था, उसमें यहाँ पे 0 marking थी, यहाँ 1 था और बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से डिविजन्स थी। Yes, यानी कि 0 से 1 centimeter के बीच आपको 10 divisions दे रहा है। 1 centimeter के बीच आपको 10 divisions दिया, यानी कि हर एक division 0.1 centimeter सबसे कम यही distance measure कर पा रहा है, right? Right? Okay. Yes, ma'am. Now the thing is कि एक बात मुझे बताओ, अगर मैंने आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिया जिसका एक्चुअल लेंथ 2.3 centimeter है, तो वो ये स्केल तो मेजर कर देगा, 2 centimeter पूरा दिखाएगा और 2 के आगे 3 small divisions और लेने का। डिविजन समझ में आता है? 1 dash। यस मैम। राइट, सिंपल ये चीज, ठीक है, ओके मैम। बट अगर मैंने आपको यहाँ पे 2.35 centimeter दे दिया, तब तो ये स्केल फेल है ना? यस मैम। क्योंकि वो 2.3 और 2.4 के पर बता सकता है, पर 3, 5 ये चीज नहीं बता पाएगा। But what if I want a very accurate calculation? मुझे अगर ज़्यादा accurate calculation चाहिए तब कैसे करूँ? तो तब के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है special instruments की, जो उतने और ज़्यादा deep में जा सके। तो ये है आपका ordinary scale। लेकिन इस ordinary scale से हमारे हर purpose तो पूरे नहीं होते। सारी calculations को एक साथ लाने के लिए we use this vernier calipers। ठीक है, vernier calipers का हम use करते हैं। इसके एक्सटर्नल जॉस यानी कि बाहरी वाले जॉस, इंटरनल यानी कि अंदर वाले जॉस, ये लॉकिंग स्क्रू है, बहुत काम इसका है। दिस इंपीरियल स्केल इज नथिंग बट योर मेन स्केल, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? इंपीरियल स्केल इज नथिंग बट द मेन स्केल। आप इंपीरियल स्केल ध्यान ही मत रखो। और ये जो यहाँ पे छोटा सा चीज है ना, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। इज दैट ओके? यस ओके वर्नियर स्केल, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपको ये ऑप्शन दे रखा है कि डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। इसका मतलब क्या है? अब सिंपल सिंपल सी चीज समझो, क्या क्या इसमें मेन मेन काम है। सोचो मैंने आपको एक बकेट दी और मैंने कहा कि मुझे इसको बताना है कि इसकी डेप्थ कितनी है, तो आप क्या करोगे? ये वाला जो ब्लेडिंग स्केल है, मतलब जो
ब्लेड है ना, आप इसको खोल सकते हो। जैसे कि आप क्या करो, ये जो मूवेबल आपके सामने स्केल है ना, वर्नियर स्केल, इसको आप ऐसे मूव कर सकते हो। आप मूव करते जाओगे पीछे उतर जाएगा, ये जो ब्लेड है ये आगे निकलता जाएगा। तो हम इतना इसको करेंगे कि वो जो आपका स्केल है ना, देखो वो ऐसे इसमें डिप हो जाए। सोच लो बिल्कुल बॉटम में इसको टच कर ले, तो जितना वो पार्ट टच करेगा उतने पार्ट को मैं कैलकुलेट कर लूंगी। तो मुझे उसकी डेप्थ पता चल गई, मुझे उसकी थिकनेस पता करनी है। किसी बॉल की सोचो, मेरे पास एक स्फीयर है, मुझे ये पता करना है कि इसका डायमीटर कितना है, तो मैं उसको इंजॉस में फंसा दूंगी, राइट? अगर मुझे एक बीकर का थिकनेस मालूम करना है कि वो बीकर का जो मटेरियल है वो कितना थिक है, जैसे कि ग्लास है, मुझे ये मालूम नहीं करना कि इसका ऊपर वाला सरफेस कितना है या अंदर वाला कितना, मुझे ये मालूम करना है कि जो मटेरियल है इसकी विड्थ कितनी है, ये कितना थिक है। तब मैं इंटरनल जॉस की हेल्प ले सकती हूँ कि भाई जब मैं ये बाहर वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ वो तो मैं यहाँ एक्सटर्नल जॉस से कर लूँ, और ये इनर वाला मैं इनमें फंसा के कर लूँ, माइनस कर दूँ, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये सुनो, तो ये सब इसकी यूजेस है। एक बार आप इन यूजेस को यहाँ पे और पढ़ लीजिए कि टू मेजर दी, हाँ एक सेकेंड, कि टू मेजर द, अरे भाई हाँ, तो टू मेजर LBH ऑफ द स्मॉल रेगुलर ऑब्जेक्ट्स। ध्यान रखना भाई, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को तो नापने के लिए हमारे पास स्केल वगैरह है ही ना, इंच टेप है, तो हमें जो नाप रहे हैं वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। आप डायमीटर नाप सकते हो स्मॉल स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स का, क्योंकि डायमीटर इन पे ही होता है ना। आप बीकर का डेप्थ मेजर कर सकते हो, आप इंटरनल डायमीटर किसी हॉलो सिलेंडर का मेजर कर सकते हो। दिस इज ऑल जो हमारे पास है, ठीक है। ये सारी यूजेस है ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग। अब देखो, आपका मेन स्केल कुछ ऐसा होता है, वर्नियर स्केल कुछ ऐसा होता है। वर्नियर स्केल ध्यान से, पता है हमेशा ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि बस यही एक सिस्टम है। 90% केसेस में ये होता है, आप लोग जो डील करोगे 90% ऑफ द केसेस वो ऐसे होगा, लेकिन ये बात जरूरी नहीं है कि वर्नियर स्केल सिर्फ 10 डिवीजन लेके चले। वर्नियर स्केल 50, 100, 200 कितने भी ले सकता है, बहुत सारे प्रैक्टिकल मतलब यू नो अलग अलग है एग्जांपल्स, बट हम लोग जो मेनली यूज करते हैं वो 90% ऑफ द केसेस के लिए वी विल यूज दिस काइंड ऑफ सेटअप। समझ में आता है? ये आपका मेन स्केल है, जो कि एक नॉर्मल स्केल जैसा है, वही वाला स्केल जो अभी हम लोग देख रहे थे, ठीक है, इसके जैसा है। ये जो वर्नियर स्केल है ये स्पेशल स्केल है। अब ये स्पेशल क्यों है? अगर आप ध्यान से देखो तो इसके पास 10 डिवीजन है, 0 से लेके 10 डिवीजन है, और ये 10 की 10 डिवीजन मेन स्केल की 9 डिवीजन के बराबर है सिर्फ। क्या दिख रहा है ये चीज सबको? एक बार मैं जूम कर देती हूँ, आप लोग देखो इस चीज को जो मैंने बोला अभी, ज्यादा ही हो गया, ठीक है देख लो, दिख रहा है? ये देखो, ये 10 डिवीजन है और यहां सिर्फ 9 डिवीजन है, ये एक्स्ट्रा है डिवीजन, ये वाली, राइट, ये वाली, दिस इज एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये आपका 90% केस है, हर बार यही केस होगा जरूरी नहीं। वापस जाओ, वापस जाओ, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं हम कुछ कुछ चीजें। इसका लीस्ट काउंट आप याद रख लीजिए, लीस्ट काउंट समझ में आता है क्या होता है? जो मैंने अभी आपको 0.1 मीटर बताया था एक नॉर्मल स्केल का, कि टोटल जितना आप जैसे 0 से 1 एक सेंटीमीटर मेजर कर रहे थे, कितने डिविजन थे आपने बोला मैम 10 थे, तो मतलब एक डिविजन का वैल्यू 0.1 है। तो एक डिविजन का जो वैल्यू होता है वो लीस्ट काउंट होता है, कि मिनिमम कितना मेजर कर पाओगे उस स्केल से। समझ में आया? यस मैम। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का होता है 1 - m/n इनटू मेन स्केल डिवीजन। अब आप कहोगे कि मैम ये mn क्या है? तो बेटा m है मेन स्केल का डिवीजन, ठीक है, m है, ऐसे समझ लो जैसे कि मैंने 4 मेन स्केल की डिवीजन ली, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग कितना n आया, n मतलब आपकी वर्नियर स्केल का डिवीजन। समझ में आता है क्या? एम आपका मेन स्केल डिवीजन और एन है आपका वर्नियर स्केल डिवीजन। दिस इज द फॉर्मूला। जैसे कि अभी इस केस में मैं अगर एग्जांपल लूं, जो मैंने आपको 90% केसेस बताए उनके हिसाब से लीस्ट काउंट हो जाएगा आपका 1 - m, कितना था बताओ, एम कितनी वैल्यू थी? 10। देखो ऐसे था ना,
कि 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 9 मेन स्केल की वैल्यू हुई 10 वर्नियर स्केल की हुई, और यहां आप मल्टीप्लाई करा दीजिए मेन स्केल डिवीजन के सबसे छोटे वैल्यू से जितना वो मेजर कर सकता है। तो आपने देखा 1/10 × 0.1, यानी कि जो मैंने आपको ये वर्नियर स्केल दिखाया था ये 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा एक ऑब्जेक्ट है जो 2.35 सेंटीमीटर लंबा है, अब आप उसको इससे मेजर कर सकते हो क्योंकि ये पॉइंट के बाद दो डिजिट आगे तक जा रहा है। ये सुनो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन है, आपके पास एक वर्नियर कैलिपर है जिसके मेन स्केल को हमने मिलीमीटर में मार्क किया है और वर्नियर स्केल को हमने बोला है आपको कि 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल्स टू 16 मेन स्केल डिविजन्स। ठीक है, ये आपको बोला है। लीस्ट काउंट आप निकालिए क्या होगा। किसका आंसर आया मैम? ए वाला 0.02 मिलीमीटर। मैम सबसे पहले नंबर बी। ओके, सबसे पहले आंसर मोहित ने दिया था। ओके, सबका ये आ रहा है। ओके ओके, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं इसको। लीस्ट काउंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, 1 − m/n × main scale division। यहाँ पे आपको बोला 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 1 − 16/20 × अब आपको मेन स्केल डिवीजन इन्होंने बोल रखे थे कि 1 मिलीमीटर में मार्क्ड है। अब 1 मिलीमीटर में मार्क्ड का मतलब इसमें मतलब मिलीमीटर्स में मार्क्ड है, इसका मतलब कि एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू 1 है, 1 mm, राइट? लिख दीजिए यहाँ पर। सॉल्व कराएंगे तो 20 − 16 दैट मींस 4/20 × 1। आप इसको सॉल्व कराइए तो ये हो जाएगा 4/5, राइट? 5 को आप उससे में सॉल्व कराएंगे तो आपके पास आएगा 0.2 मिलीमीटर। यस और नो? यस मैम। यस मैम। आप लोगों का तो ऑप्शन ए आ रहा था, यही था क्या ऑप्शन ए? नहीं, ऑप्शन ए 0.02 है, दिस इज पॉइंट डी, तो मतलब ऑप्शन डी, इज दैट ओके? चले आगे। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे आपके इंस्ट्रूमेंट की, विच इज स्क्रू गॉज। आई थिंक आपने ये देखा है या नहीं देखा? ये उससे भी डीप कैलकुलेशन करता है। इसकी बहुत सारी चीजें लेकिन हमें हर चीज नहीं देखनी। आपको समझना है कि एक ऐसा यू फ्रेम सा होता है, ये वाला यू फ्रेम जिसको आप पकड़ते हो, है ना, जिससे कोई जिस चीज से आप उसको पकड़ते हो। एक आपके पास होता है ये थिम्बल सा, ये आप क्या करते हो, आप उसको घुमाते हो, है ना, राइट? घुमाते हो आप? यस मैम। एक जगह पे आपको चर चर ऐसी आवाज आती है, जब चर की आवाज आती है तो मतलब कि अब आपने उसको बहुत अच्छे से घुमा दिया है, अब इसको आगे घुमाने की जरूरत है, वो टाइट हो चुका है ना, ये ऑब्जेक्ट उसमें फिट हो चुका है। दिस इज द नॉइस जो इस पथ को रिप्रेजेंट करता है।
तो बेसिकली यहाँ पर ना एक तो होता है आपका मेन स्केल, जैसे कि आपको यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ एक तो होता है आपका मेन स्केल जो देखो आपको यहाँ पे दिखा रखा है, ये स्लीव जिसको बोल रहे हो, स्लीव बोल लो मेन स्केल बोल लो, मतलब है क्या पता है मैं क्यों बता रही हूँ ये स्लीव, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है वो कहता है कि स्लीव शोज 2 मीटर। अब आपको कि भाई स्लीव क्या होता है, 2 सेंटीमीटर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्लीव ही मेन स्केल होता है। ठीक है, तो स्लीव इज मेन स्केल। फिर एक स्पिंडल होता है, स्पिंडल इज दिस, देखो अगर आप थोड़ा सा इसको जूम करूं मैं तो आप देख पाओगे कि इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, देख रहे हो कट लग रहे हैं, दिख रहा है, देखो इस तरीके से जैसे एक कटियरा एक कटियरा ऐसे, और सही से अगर मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसा ऐसा कट है क्योंकि सर्कुलर है ना वो कट, ऐसे ऐसे, समझ में आया, जैसे कि स्क्रू होता है, तो आप इसको बोलते हो स्क्रू को, क्या बोलोगे स्क्रू को? स्पिंडल स्पिंडल नहीं 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 स्क्रू को ना आप थ्रेड भी बोल सकते हो, एक सेकंड रुकना बस, ओके तो दीपा आपने नहीं देखा है ये, कोई नहीं अभी आप देखो ये ना लैब में होगा, अगर नहीं है तो मुझे बताना फिर मैं इसकी एक और प्रैक्टिकल सी फोटो दिखा दूंगी आपको। तो बेसिकली ये जो स्पिंडल है जो, हाँ सॉरी, हाँ आप लोग स्पिंडल बोल रहे ना, सही बोल रहे थे, स्पिंडल जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्यारा खेल खेलता है ये, पता कैसे घूमता है, जितना एक थ्रेड घूमेगा ना उतने में आपको एक डिविजन मतलब यू नो दिखेगा, इसका एक थ्रेड घुमा आपको एक रीडिंग दिखती है, समझ पा रहे हो, ये यस इसका मैम, काम है। ठीक है, बाकी ये एनविल और स्पिंडल के बीच में आप किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हो जिसका भी आपको डायमीटर रेडियस ये सब देखना है, कुल मिला के ये आपका एक्सपेरिमेंटल ज्ञान है। ठीक है, कि आप इसको इन चीजों को लगाओगे फिर इसको घुमाओगे फिर आप चेक करोगे कि क्या क्या चीजें हैं कैसे कैसे। द मेन थिंग इज जो मैं आपको इस वाली चीज के लिए भी बता रही हूँ और आपके पिछले वाले क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक था उसके लिए भी बता रही हूँ वर्नियर के लिए, इसकी आप रीडिंग कैसे लिखो भाई, किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप कर रहे हो तो रीडिंग लिखनी इंपॉर्टेंट है ना बेटा, तो रीडिंग को लिखने का सारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप निकालो मेन स्केल कि भाई मेन स्केल पे क्या रीडिंग आई, प्लस खाली मेन स्केल पर रीडिंग निकालने का काम नहीं चलेगा आपको, क्योंकि आपके पास थोड़े स्पेशल स्केल्स भी है ना, जैसे कि पिछली बार वर्नियर स्केल था इस बार आपके पास ये सर्कुलर स्केल है, ये स्पेशल स्केल्स है, क्योंकि मेन स्केल तो बेटा ऑर्डिनरी स्केल है उसकी कोई इशू नहीं है, वो तो ऑर्डिनरी जैसा अभी आपको मैंने दिखाया था वैसे ही स्केल है, बट वेन इट कम्स टू स्पेशल स्केल्स उनमें आपको एक लीस्ट काउंट वाली चीज याद होती है, पता होती है लीस्ट काउंट, बोलो यस मैम, लीस्ट काउंट बताया था ना तू बेटा, लीस्ट काउंट यस मैम, सबको पक्का, यस ओके। लीस्ट काउंट के बाद आपको ये देखना होता है कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइडिंग डिवीजन, अभी कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, अब सोचो कि ये आपका एक मेन स्केल है, ठीक है यहाँ पे ऐसे कुछ 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 डैशेस बने हुए हैं सब, अगर मैं आपको इसी में वर्नियर स्केल और मेन ये वाला स्केल दोनों बता रही हूँ, जैसे सोचो कि ये वर्नियर स्केल मैंने यहाँ लगा दिया और मैंने देखा कि जो वर्नियर स्केल का 0 है वो इस वाले के साथ कोइंसाइड कर रहा है जो बड़े वाला है, मतलब बिल्कुल एक जगह आ रहे हैं बिल्कुल ऐसे, वरना थोड़े आगे पीछे कुछ तो हो सकता है, बिल्कुल अगर एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं तो दैट इज ये वाला स्केल, तब बेटा ये रीडिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, आप कहोगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कि मैम फोर्थ डैश कोइंसाइड करा तो अपने यहाँ पे लीस्ट काउंट इनटू फोर लिख दोगे, समझ में आया, यस मैम, यस मैम, सिमिलरली यही सब चीजें आप यहाँ भी करोगे कि जो डिवीजन यहाँ पर आ रही है कोइंसाइड कर रही है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, आपका रीडिंग आ जाएगा, इज दैट ओके?
सर्कुलर स्केल और मेन स्केल का जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वही आपका आंसर होगा। मैं यहाँ पे लिख दूं कि कोइंसाइडिंग, वैसे आगे मैंने शायद जगह छोड़ रखी होगी बट ठीक है यहाँ लिख देती हूँ, डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ऑफ सर्कुलर स्केल एंड मेन स्केल, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब बात करते हैं पिच क्या होता है। बस एक दो स्लाइड है, इफ यू आर ओके विद दिस एक दो स्लाइड करा दो। यस सर। ठीक है, पिच होता है मार्किंग ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल पे मार्किंग कैसे कर रखी है आपने, ठीक है, डिस्टेंस। अब पिच को थोड़ा और फील करो। आपने जब एक स्क्रू को घुमाया, आप खुद से सोचो, थोड़ा सा इमेजिन करो, किसी स्क्रू को आप घुमाते हो या उसको बंद करते हो तो आप क्या करते हो, उसका जो एक थ्रेड है या तो उसको डिस्कवर करते हो या उसको कवर कर देते हो। ये सुनो। यस मैम। यस मैम। तो वो यही कह रहा है, डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू। स्क्रू क्या बेटा? डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन। आपने एक ऐसे पूरा घुमा दिया, इस पूरा घुमाने में आपने कितना मूव किया, जैसे कि कोई थ्रेड था, देखो इस तरीके से वो स्क्रू है, उसका इतना पोर्शन हमने ठक रखा था, आपने कंप्लीट रोटेशन दिया तो आपको इतना पार्ट दिखने लगा, ये भी दिख गया, ये तो दिख ही रहा था पहले से, ये और दिख गया। तो ये जो आपने मूवमेंट किया ना बेटा, इसी को पिच बोला, ठीक है। डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन। स्क्रू गॉज को हम माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि एक माइक्रोमीटर के प्रिंसिपल पे काम करता है। माइक्रोमीटर भी यही होता है कि एक रोटेशन पर एक थ्रेड आगे खिसक जाना। अगर आपने एक बार उसको घुमाया तो ये एक के बाद आप टू पर आ गए, फिर एक बार घुमाया थ्री पर आ गए, फिर फोर पर। अगर आप बंद कर रहे हो तो थ्री से आप टू पे पहुंच गए, टू से आप वन पर पहुंच गए, यही माइक्रोमीटर होता है। इज दैट ओके? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ओके मैम। पक्का? ओके मैम। यस मैम। अब बात करते हैं कि स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट क्या होता है। बड़ा सिंपल है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। जो सर्कुलर स्केल है ना उसमें जितने डिवीजन, सोचो 100 है तो पिच बाय 100। अब पिच में आपने कितना डिस्टेंस मेजर किया वो आपको क्वेश्चन बताता है, ठीक है। इस तरीके से आप निकालते हो, ये फॉर्मूला है, आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, प्लीज, है ना, उसको याद रखिएगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप ये वाला क्वेश्चन करते तो दैट वुड बी ओके, बढ़िया हो जाएगा। आपको बोला है कि टू फुल टर्न्स ऑफ द सर्कुलर स्केल ऑफ अ गॉज कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर। एक मिनट जाओ, मैं कलर चेंज कर दूं। देखो दो फुल टर्न्स में 1 मिलीमीटर गॉज ट्रेवल करता है, मतलब इस थ्रेड घूमता है। टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 50। टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 50। आपको लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है कितना, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए फटाफट से। ओके आस्तिक, आस्तिक का आंसर आया है। मैं कराऊं एक बार? यस मैम। ओके, क्वेश्चन ने आपको बोला दो फुल रोटेशन में यू विल गेट 1 मिलीमीटर, ठीक है, दो फुल रोटेशन में 1 मिलीमीटर मिलेगा, तो 1 फुल रोटेशन में कितना मिलेगा, 1/2 मिलीमीटर ना। तो बेटा यही तो इंपॉर्टेंट बात है, यही तो पिच होगा। पिच मैंने आपको यही तो बताया था कि एक कंप्लीट रोटेशन में चला हुआ डिस्टेंस। तो यानी कि अगर आपको लीस्ट काउंट निकालना है तो पिच का वैल्यू आप रखोगे 0.5 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल के डिविजन्स आपको 50 दे रखा है, ये तो बोला गया कि नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन इज 50। बस आप इसको सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 1/100 मिलीमीटर, यानी कि 0.01 मिलीमीटर, विच इज योर ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आया? ओके। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज मैं आपके शीट में अपलोड कर दूंगी, वहां से देख लेना, ठीक है। एंड देन समराइज के लिए आपने आज कितनी डिवाइसेस पढ़ी, बताओ 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 बताओ, पहली कौन सी पढ़ी थी?
वर्नियर कैलिपर। स्क्रू गेज। वेरी गुड। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मैम, यस मैम, है पिच अपॉन नंबर ऑफ सेलुलर स्केल डिविजन्स मैम, मास वॉल्यूम, ना 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 वो तो क्वेश्चंस थे ना, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हाँ प्रोपगेशन ऑफ एरर पड़ी थी, वेरी गुड, यस मैम। एन माइनस एम एन अलग, एन माइनस इनटू मेन इनटू वन माइनस एम अपॉन एम, वेरी गुड। देखो ये आपके लिए एक वन माइनस एम एन मतलब, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मॉड्यूल की क्वेश्चन सॉल्व करो, वेरी गुड बेटा, ठीक है मॉड्यूल के क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, ये आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, एंड देन फिफ्थ क्वेश्चन ये है, सिक्स्थ क्वेश्चन ये, सेवंथ ये, एट्थ ये, सिर्फ एट क्वेश्चन है, प्लीज इन्हें सॉल्व कीजिएगा। कल की क्लास में हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे इस टॉपिक के, और फिर काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो काइनेमेटिक्स से पहले आप ये सब चीजें पढ़कर आइएगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बेसिक बेसिक टर्म्स है, इनके बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज करके आइएगा, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। चलिए। थैंक यू सो मच। ओके मैम।